बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है आपका, ओवुलेशन मतलब एग रिलीज़ होकर आपके फेलोपियन ट्यूब तक आता है और वो इंतज़ार करता है कि वो फर्टाइल होगा या नहीं। अगर फर्टाइल नहीं होता है तो क्या होता है, अगले महीने आपका वो एग ख़राब होकर बाहर पीरियड्स के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब ये कि जब ख़राब नहीं होता है और अगर उसी दिन सेल के साथ मिल जाता है तो क्या होता है, उस दिन जब सेल के साथ वो मिलता है तो क्या होता है, जायगॉट का निर्माण होता है। अब जब जायगॉट का निर्माण होते रहता है, यानी कि जो सेल और एग आपस में मिलते हैं, तो किस तरीके से उस गर्भवती महिला को पता चलता है, जिस भी साइड ये फर्टिलाइजेशन होते रहेगा उस साइड आपको हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल चुभने के जैसा या टिकलिंग के जैसा आपको पेन महसूस होगा। ये पेन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता है, मतलब एक दिन या दो दिन ऐसा नहीं होता है। अगर रहता भी है एक दिन तक तो हो सकता है कि हल्का सा दर्द कुछ समय महसूस हो, फिर रुक जाए, फिर कुछ समय महसूस हो, फिर रुक जाए। तो ये पेन कुछ इस तरीके से होता है। दूसरा जो लक्षण होता है, आपको थकान जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि इंटरनली बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, थकान जैसा बना हुआ है। तो इस थकान के कारण, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है और उस एनर्जी की खपत हो रही है, इस वजह से आपको थकान लग रहा है। ये भी जो है आपको एक से दो दिन ही महसूस होगा, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक जब तक आप प्रेग्नेंट हो अभी से ही ये सिम्टम्स चालू हो जाए प्रेगनेंसी के, नहीं, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। उसके बाद जब इम्प्लांटेशन होता है, हार्मोन्स जब बनते हैं, तब आपको पूरे पक्के तौर पर धीरे धीरे प्रेगनेंसी के लक्षण आने शुरू होते हैं। थर्ड क्या होगा, हो सकता है कि आपको भूख प्यास लगे, प्यास ज़्यादा लगे, भूख भी लगे, क्योंकि मैंने बोला कि एनर्जी की खपत हो रही है, इस वजह से पानी की ज़रूरत पड़ रही है बॉडी को, खाने की ज़रूरत पड़ रही है बॉडी को, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। एनर्जी स्टोर अगर नहीं है तो एनर्जी इन सब माध्यमों से तो बॉडी लेगी ही, तो इसलिए जब भी जायगॉट का निर्माण होता है तो आपको ये लक्षण दिखेगा। ब्रेस्ट में हो सकता है कि हल्का सा टिकलिंग जैसा या फिर इचिंग जैसा फील हो रहा है, ये भी आपको बता रहा है हार्मोनल एक तो चेंजेस है, दूसरा जायगॉट का निर्माण हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम स्टेप होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। कई महिलाओं को तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, इस वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये मेन स्टेप होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो जब ये होता है तो कई महिलाओं को, अगर मैं बात करूँ, अगर वो अपने बॉडी के प्रति काफ़ी नोटिसेबल हैं तो 40% महिलाओं को फर्टिलाइजेशन के लक्षण महसूस होते हैं। कई महिलाएँ इग्नोर कर देती हैं, किसी को नहीं भी होते हैं। धन्यवाद।